पूर्व भागों में हाथ के अंदर हाथ के में स्थित रेखाओं के विषय में ज्ञान अर्जन कर रहे थे। इनमें प्रधान रूप से सात मुख्य रेखाएं होती हैं, जिनमें से पहली रेखा हमारी जीवन रेखा, जिसे लाइफ लाइन के नाम से पुकारते हैं। यह लाइफ लाइन निर्दिष्टा और अंगुष्ठ के मध्य, जहां नीच का मंगल स्थित होता है, वहां से निकलती है और मणिबंध तक जाती है। इस रेखा के अंदर कई प्रकार के गुण या अवगुण, अर्थात कई प्रकार के चिन्ह या इसका रूप देखने को मिलता है। यदि यह रेखा साफ, स्वच्छ, गहरी, लाल रंग की, निर्दोष, जहां कहीं भी किसी भी स्थान पर कटी फटी नहीं हो या इसके ऊपर कोई किसी प्रकार का चिन्ह नहीं हो, ऐसा जातक अपने जीवन काल में बहुत ही स्वस्थ रहता है और अपनी पूर्ण दीर्घ आयु को प्राप्त करता है। यदि इस रेखा के विषय में किसी भी प्रकार के कोई अन्य लक्षण या दोष पाए जाएंगे, तो उनके कारण से जातक को इस स्वास्थ्य में या उसकी आयु में पीड़ा हो सकती है, जिनका विश्लेषण हम बहुत सूक्ष्म रूप से करने जा रहे हैं और विस्तृत रूप से आगे भी करेंगे। यदि हमारी जीवन रेखा लाइफ लाइन निर्दोष है, गहरी है, लाल रंग की है, किसी भी प्रकार से उसमें कोई दोष नहीं है और वह चमकीली है, तो वह जातक दीर्घ आयु का होगा, अर्थात उसकी आयु लगभग 100 वर्ष या 100 वर्ष से अधिक होगी। यदि इस लाइफ लाइन में, जीवन रेखा में खंड टुकड़े हैं, टूटे हुए हैं, भाग हैं, तो ऐसा जातक जो है अपने उस आयु काल में जहां पर जीवन रेखा खंडित हो रही है, उसमें कष्ट या पीड़ा पाएगा और कष्ट पीड़ा के पाकर के फिर जीवन को चलाने का प्रयास करेगा। यदि उसके पुण्य कर्मों का फल वहां है, तो वह जातक आयु को पूर्ण करेगा, अन्यथा उसकी जीवन लीला वहीं रुक जाती है। यदि किसी जातक के हाथ में यह रेखा इस प्रकार से हो, टूटी हो और फिर पुनः जुड़ करके आगे चल रही हो, तो वह जातक अपने भयंकर असाध्य बीमारी, कष्ट पीड़ा को सहन करते करके फिर आयु को बढ़ाता है। संयोग बस उस समय जातक के जीवन काल में अच्छे ग्रहों की दशा चल रही हो, तो वह आयु को पूर्ण करेगा, और यदि उस समय पाप ग्रहों की दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा चल रही हो और लाइफ लाइन टूटी हुई हो, तो जिस आयु भाग में रेखा टूटती है, उस आयु में जातक की आयु या जीवन रुक जाता है, जो शोक का कारक होता है। यदि यही जीवन रेखा शुरू होकर के द्विजिभ्या रूप में हो जाए और फिर तीसरी रेखा उसमें से आगे बढ़े, तो ऐसा जातक
उस आयु काल में किसी न किसी भयंकर असाध्य रोग से पीड़ित होगा। जैसा कि असाध्य रोग के विषय में आप जानते हैं कि पूर्व काल में टीवी रोग असाध्य रोग था, बाद में कैंसर असाध्य रोग बन गया, और आज के तात्कालिक समय में कोरोना असाध्य रोग है। यदि ऐसे किसी जातक की हाथ में जीवन रेखा है तो वो कोरोना से पीड़ित होकर के अपनी जीवन लीला को समाप्त करते जा रहे हैं, जिसके प्रत्यक्ष उदाहरण देखने को मिल रहे हैं। इसी प्रकार से यदि जीवन रेखा दो भागों में बट जाए और उसको उन दोनों भागों को वर्ग की आकृति जोड़े तो वह व्यक्ति बहुत भयंकर संकटों का, कष्टों का सामना करता है, और संकटों का, कष्टों का सामना करते हुए अपनी जीवन लीला को आगे बढ़ाता है। अर्थात वो पीड़ित अवस्था में जीवित रहता है, किसी भी प्रकार के उसको सुख प्राप्त नहीं होते हैं। यदि ये जीवन रेखा टूटकर एक दूसरे को काटती हुई जाए, एक दूसरे को काटती हुई आगे बढ़े, तो ऐसे जातकों को लकवा, फालिस, असाध्य रोग, टीवी, अनेक प्रकार की दुर्घटनाएं होती हैं और वह मृत्यु के शिकार बन जाते हैं। इसी प्रकार से यदि ये जीवन लाइफलाइन हमारी किसी भी जातक के हाथ में लहरदार हो, टेढ़ी मेढ़ी हो और उनसे वह आगे बढ़ रही हो, तो ऐसा जातक श्वास की बीमारी से पीड़ित रहता है और श्वास का पता नहीं चलता कि कब किस समय रुक जाए, और वह उस सांस के बंद होते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है और अपने जीवन काल में अत्यधिक कष्ट भोगता है। यदि यही जीवन रेखा लाइफ लाइन शुरू से लेकर के अंत तक लहरदार हो, शुरू से लेकर के अंत तक लहरदार हो, तो उस जातक को परंपरागत अर्थात हेरिडिटी के अनुसार रोग प्राप्त होते हैं। जैसा काव्य भागों को में देखते हैं कि दादाजी को टीवी थी तो पिताजी को भी है, पिताजी को टीवी है तो बेटे को भी है, ऐसी अनेक बीमारियां, अनेक प्रकार के लक्षण हेरिडिटी के अनुसार दिखाई देते हैं, और ये लाइफलाइन जो शुरू से लेकर के अंत तक लहरदार होती है, इन हेरिडिटी रोगों के विषय में विशेष रूप से संकेत करती है। आज के समय में विशेष रूप से आप देखते हैं कि डायबिटीज, शुगर की बीमारी एक ऐसी बीमारी है जो हेरिडिटी के अनुसार पीढ़ी दर पीढ़ी लगातार देखती चली जा रहे हैं और जिससे लोग भयभीत परेशान रहते हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति जो है बहुत ही चिड़चिड़े स्वभाव का हो जाता है, शारीरिक कमजोरी हो जाती है और वह अनेक प्रकार की शारीरिक पीड़ाओं से पीड़ित हो जाता है, दूसरों के ऊपर